सो वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम जा रहे हैं एक और नई डेस्टिनेशन के लिए और निकल चुके हैं। बाइक रेडी है, बैग रेडी है, सब कुछ रेडी है, मोटर रोलिंग सेटअप रेडी है हमारा। तो चलते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं और कहाँ जा रहे हैं। ये वीडियो में रहोगे तो तभी तो पता लगेगा कहाँ जा रहे हैं। और आपको भी चलते हैं और नेचर के व्यू, और जहाँ हम जा रहे हैं ना जन्नत है। ऋषिकेश में इतनी गर्मी हो चुकी है ना, हमने कहा भाई साहब अब तो नहीं जा रहा था। और चलते हैं अब मस्त डेस्टिनेशन में जहाँ ठंड, वादियाँ और हवाएं हवाएं। चलते हैं। ओके, रेडी टू गो। सारे रेडी हो चुके हैं। अनिधि रेडी, शिवा रेडी, गोलू रेडी। चलो मिलते हैं और आगे सफर में। ढाई सौ का डाल दो भैया। सो गाइस यहाँ पे वो हवा भराते हैं जल्दी से। गाइस गाड़ी में बहुत सारे दो तीन पंचर निकले हैं, तो गाड़ी में एक लिक्विड डलता है टायर पे जो उन पंचरों को फिलअप कर देता है। तो भाई ने बोला है कि वो लिक्विड आपको आगे मिलेगा, तो देखते हैं वो लिक्विड डला लेते हैं, बाकी तो देखते हैं क्या होएगा। चाले पे ना छोटे छोटे दो दो तीन पंचर हैं, वो बोल रहा फिलअप हो जाएंगे पंचर। हाँ पंचर नहीं, वो बोल रहा पंचर मत लगाओ, लिक्विड डलवा लो, बहुत पतले पतले हैं। बड़ी बड़ी है। हाँ मतलब ना तो कम से कम एक दो हफ्ते में जाके हवा कम होती है, बाकी चलती है। तो वो है 350 का लिक्विड हो यार, 350 ज्यादा नहीं है। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं जानकी सेतु, और यहां से ही क्रॉस होके हम अपने डेस्टिनेशन के लिए निकलेंगे। और व्यू चेकआउट करो यार, क्या मस्त लग रहा है, गजब बिल्कुल, वाह, अरे वाह। गंगाई जी तो भर के आ रही भाई साहब, बिल्कुल पानी मट्टी मट्टी हो रखा है। ओ लाइटिंग भी लग गई यहाँ पे, वाह रात को तो बहुत अच्छा लगता होगा। जय बजरंग बली, पेंटिंग चेकआउट करो यार, क्या मस्त है। देखिए बहुत से लोग आने भी लगे हैं बाहर से, बट एक गलती कर रहे हैं, कोई भी मास्क नहीं पहन रहा है, मास्क किसी के पास नहीं है। मास्क चेक कर सकते हैं, लोगों को मास्क पहनना चाहिए यार, मास्क तो जरूरी है यार, एक से दूसरे में वायरस फैलने में। सो मेरे पीछे देख सकते हैं वो रामलीला पुल है, क्रॉस कर लिया। और जो ये रेत वाला इलाका देख रहे हैं, से बोलते हैं गोवा बीच, जो पूरा है यहाँ पे मस्त करके गंगा जी के किनारे, तो गोवा बीच की तरह लगता है, रियलिटी में पूरा रेत ही रेत। तो यहाँ का नाम गोवा बीच ही पड़ गया, ये गोवा बीच है यहाँ का। और देखिए काफ़ी लोग अब हल्के फुल्के, मतलब ज़्यादा नहीं, 10% लोग आने लग गए हैं, क्योंकि जो ऋषिकेश है वो टूरिस्ट प्लेस है, ऋषिकेश पूरा टूरिस्ट से ही वर्क करता है, ऋषिकेश पूरा टूरिस्ट पे ही डिपेंड रहता है कि टूरिस्ट आए तब वो कमाएंगे तब खाएंगे, क्योंकि ऋषिकेश तो पूरा देखने वाली जगह है, मस्त वाली। देखिए कहाँ ही किस समय कोई कुर्सियाँ भरी पड़ी रहती थी, अब खाली पड़ी। देखिए लोग बाग गायों को चारा दे रहे हैं। अंकल जी बहुत अच्छे काम कर रहे थे। तो हम अब राम झूला से अब लक्ष्मण झूला की साइड पे जा रहे हैं, तो अब लक्ष्मण झूला की साइड पे हम दिखाता हूँ। देखिए यहाँ का चकाचौंध भीड़ रहती है, वो देखिए ऊपर लक्ष्मण झूला के जो बिल्कुल सटीक बगल में मंदिर है,
वो मंदिर दिख रहा होगा, ये देखिए ऊपर मंदिर, और ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड में लक्ष्मण झूला पुल, जो कि व्हीकल के लिए अलाउड नहीं है, ओनली पैदल वाले रास्तों के लिए अलाउड है। और जो मेरे अपोजिट साइड में आप रोड देखने को शिवपुरी के लिए जाती है, शिवपुरी जहाँ पे एडवेंचर किया जा रहा है बिल्कुल मस्त, ऋषिकेश जो भी आता है ना वो शिवपुरी जाता है एडवेंचर के लिए मस्त। देखिए अगर आप यहाँ से ऊपर की साइड मुड़ेंगे तो 5 किलोमीटर में नीलकंठ है, तो हमें नीलकंठ जाना, मेरे गांव के लिए सीधा रास्ता है नीलकंठ, यहाँ से ऊपर राइट साइड में आता है। गाइस हमने यहाँ के मार्केट से थोड़ा सा सामान ले लिया दादी के लिए, जो छोटा मोटा रहता सामान वो ले लिया, ड्रेस वगैरह, तो चलते हैं वापसी गाँव के डेस्टिनेशन में, थोड़ी सी दूर रही है, कुछ 1-2 किलोमीटर रह गया, चलते। तो गाइज तो हम अपने गांव जा रहे हैं जहाँ का नाम जुड़ेडी है, जो दूली से थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर आगे आता है, और अगर आप दूली के रास्ते जाएंगे तो दूली यहाँ का मेन मार्केट है, जो यमकेश्वर रोड पे आपको पड़ेगा, जहाँ पे यमकेश्वर का मेन रोड जाती है उस रोड पे पड़ेगा। तो आप देखिए वादे देखिए और पहाड़ देखिए, पता है यहाँ पे ना मैंने ना हुडी पहन देखी, दिख रहा होगा येल्लो कलर की हुडी पहन देखी, हुडी भी गर्म नहीं हो रहा है, क्योंकि पता है यहाँ पे ना मुझे डर लगता है यार, ऋषिकेश के हिसाब से आता हूँ ना मैं तो कपड़े लेके आता हूँ वही गर्मियों वाले, और यहाँ पे आके देखते हैं लगती है ठंड। तो हम भी चलते हैं इस कच्चे रास्ते के साथ, और यहाँ पे हमारी पूरा ऑफ रोडिंग टेस्ट होता है, हमारा भी और हमारी बाइक का भी, बट हमारी बाइक किससे कम गई है। तो गाइस देख सकते हैं हमारी गाड़ी किस तरीके से चल रही है, क्योंकि हम इस रोड में ज्यादा ड्राइव करते नहीं है ना, बहुत खतरनाक जंप आ रहे हैं। छोटा सा राशन पानी जो हम खुद ही ले जा रहे हैं और खुद ही खा लेंगे, वो चीज है।
चंद मिनटों में पहुंच चाले, पर मेरा आज ये कोशिश है कि अपनी गाड़ियों में पूरा घर तक ले जाऊं। जो हमारा घर है ना वहां तक मैं गाड़ी लेने की पूरी कोशिश करूंगा। ऐसा करियो तो पूरी कोशिश करूंगा अपने घर तक गाड़ी ले आने की। तो देखते हैं गाय से पूछेंगे। तो गाय हमने वो रिक्शा ले लिया है तो आज हम ऊपर चला रहे हैं। ओ तो गोल, तो गाय देख सकते हैं हम फुल ऑन कोशिश पे। यहाँ से मुड़ने मुश्किल आती है गाड़ी। तो यहाँ पे देखिए मुड़नी मुश्किल होगी गाड़ी। तो गाइस मेरा भाई और गाय लेके जा रहा है जिसका नाम अक्कू है। देखिए हम कैसी गैलरी पे ले आ रहे हैं। मौसम देखिए कितना मस्त हो रहा है। अबे हटा फुल छेड़ लेते, फुल ऑन मस्ती वाले बंदे हम सब। हम सब जब साथ होते हैं ना तो फुल मस्ती मारते। तो देखिए दादी हेलो कर रही है सबको। सो गाइस आप देख सकते हैं ये कुछ हमारा घर है जो सेकंड वाला है, बाकी हमारे पूरे फैमिली मेंबर हैं देख सकते हैं। और हम चलते हैं और दादी से मिलते हैं। ये देखिए ये हमारी छत है, मस्त सा व्यू। मेरे भाई लोग भी यहाँ पे आ पहुँच चुके हैं। ये